सेकेंड ओडीआई मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों खेले जाने वाला है वाईएस राजा शेखरा रेड्डी स्टेडियम विशाखापट्टनम पे। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्या होंगे चेंजेस वीडियो पे आप लोगों को बताऊंगा अभी। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बार आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो फर्स्ट ओडीआई मैच हुआ ना उसमें क्या हुआ था, क्या थी आप लोगों की परफेक्ट 11 टीम। ओके, ध्यान से देखो दोस्तों, क्योंकि सेकेंड मैच पे यही स्टैट्स आप लोगों को बहुत फायदा करेगी अपनी टीम बनाने के लिए। यहां देखो दोस्तों हुआ क्या था, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करा था, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 188 रन 10 विकेट के नुकसान पे, 35 ओवर में ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। और इंडिया के टीम ने 39.5 ओवर पे 191 रन बना के 5 विकेट के नुकसान पे इस मैच को विन किया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब बैटिंग करने आई तब क्या हुआ, देखो ट्रेविस हेड 5 रन बनाकर ऑल आउट हो गए थे। उसके बाद मिशेल मार्श ने अच्छी पारी खेली थी 81 रन की, स्टीव स्मिथ ने 22 रन बनाए थे, मार्नस लेबुशेने ने 15 रन बनाए थे, जोश इंग्लिश ने 26 रन बनाए थे। उसके बाद कैमरून ग्रीन 12 रन बना के फ्लॉप हुए थे, ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 8 रन बनाए थे, मार्कस स्टोइनिश ने सिर्फ 5 रन बनाए, सीन अबट डकी आउट हुए, मिशेल स्टार 4 रन बनाया, एडम जंपा भी डकी आउट हुए। इंडियन टीम से बॉलिंग किसने किया, मैक्सिमम ओवर किसे मिले और किसने कितना विकेट लिया था, मोहम्मद शमी को दोस्तों 3 विकेट मिले थे, 6 ओवर इन्होंने कराए थे, मोहम्मद शिराज को भी 3 विकेट मिले थे, इनका भी छठा ओवर चल रहा था, हार्दिक पांडे ने अपने 5 ओवर कराए थे, 1 विकेट इन्हें मिला था, शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 2 ओवर कराए थे, इन्हें 1 भी विकेट नहीं मिला था, रविंद्र जडेजा ने यहां पर 9 ओवर करा लिए थे दोस्तों अपने और इन्हें 2 विकेट मिले थे, और कुलदीप यादव ने 8 ओवर कराए थे और इन्हें 1 विकेट मिले थे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव अपने पूरे 10 ओवर करने वाले हैं, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज भी अपने पूरे 10 ओवर करेंगे, और हार्दिक पांडे और शार्दुल ठाकुर के बीच में ओवर शेयर हो सकता है। सबसे कम ओवर शायद आप लोगों को शार्दुल ठाकुर ही करते हुए देखे, इस बात को नोट कीजिएगा। बाकी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम जब बॉलिंग करने आई तो ईशान किशन जल्दी आउट हो गए, सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए थे, शुभमन गिल ने भी सिर्फ 20 रन बनाए थे वो भी आउट हो गए, विराट कोहली भी फ्लॉप हो गए थे, 4 रन पे ऑल आउट हो गए, 4 रन पे आउट हो गए थे, सूर्य कुमार यादव तो पहली बॉल पे ही LBW आउट हो गए थे। बाकी KL राहुल ने अच्छी पारी खेली थी, 75 रन नॉट आउट रहे थे, हार्दिक पांडे ने ठीक पारी खेली थी 25 रन की, और रविंद्र जडेजा ने यहां पर अच्छी पारी खेली थी 45 रन की नॉट आउट रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम से दोस्तों मिशेल स्टार्क को देखोगे तो इन्होंने 3 विकेट निकाले थे, मार्कस स्टोइनिश को 2 विकेट मिले थे, सीन अबट विकेटलेस गए थे, कैमरून ग्रीन विकेटलेस गए थे, एडम जंपा विकेटलेस गए थे, और ग्लेन मैक्सवेल भी विकेटलेस गए थे। परफेक्ट प्लेइंग 11 जो बनी थी, जो टीम अगर आप लोग बनाते तो आप लोग सारे कॉन्टेस्ट को जीतते, मेगा ग्रैंड लीग पे रैंक 1 लेकर आते, उसमें क्या था आप लोग विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से आप लोगों को दोनों प्लेयर दिखे थे, KL राहुल और जोश इंग्लिश, बाकी मिशेल मार्श आप लोगों को कैप्टन बने थे, ठीक है सबसे ज्यादा पॉइंट इन्होंने ही दिए थे, आप लोगों को शुभमन गिल दिखे थे, आप लोगों को रविंद्र जडेजा दिखे थे, ये वाइस कैप्टन बने थे टीम के, और मिशेल मार्श इस टीम के कैप्टन थे। बाकी आप लोगों को मार्कस स्टोइनिश दिखे थे, हार्दिक पांड्या दिखे थे, मिशेल स्टार्क दिखे थे, मोहम्मद शमी दिखे थे, कुलदीप यादव दिखे थे और मोहम्मद सिराज दिखे थे। ये टीम अगर आप लोगों ने बनाई हुई होती तो आप लोग मेगा ग्रैंड लीग विन कर लेते, क्लियर। हम लोगों ने जो टीम बनाई थी दोस्तों, हमारे टीम पे इन 11 प्लेयर में से 8 प्लेयर एकदम एग्जैक्ट थे। तो इस मैच पे अब दोनों टीमों में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट बात है, कि प्लेइंग 11 पे क्या चेंजेस होने वाले हैं। वेन्यू अब चेंज हो गया है, लास्ट वेन्यू पे ज्यादा स्कोर नहीं हुआ, इस वेन्यू पे ज्यादा स्कोर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये आप लोगों को बता दूंगा। पेसर स्पिनर किसे ज्यादा एडवांटेज रहने वाला है इस वेन्यू पे वो भी देखेंगे, और देखेंगे आप लोग कैसे अपने लिए एक परफेक्ट टीम बना सकते हो स्मॉल लीग के लिए भी, और मेगा ग्रैंड लीग के लिए कैसे आप लोगों ने डिफरेंशियल टीम बनाना है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पे क्या चेंजेस होने वाले हैं। दोस्तों टीम इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को ईशान किशन के जगह इस मैच में रोहित शर्मा खेलते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। रोहित शर्मा वापस आ गए हैं तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, फर्स्ट डाउन पोजीशन पे विराट कोहली आएंगे, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव, KL राहुल, हार्दिक पांडे आएंगे,
उसके बाद दोस्तों आप लोगों को रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी दिखेंगे। वही ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर मैं बात करूं ना, तो ऑस्ट्रेलिया टीम के हेड कोच ने बोला था कि डेविड वार्नर फर्स्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, बट सेकेंड और थर्ड ओडीआई पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली थी। इसीलिए यहां पर आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली ट्रेविस हेड के बदले आप लोगों को डेविड वार्नर दिखेंगे। हो सकता है कि यहां पर मिशेल मार्श को भी बैठा दिया जाए, बट जिस तरह से मिशेल मार्श का परफॉर्मेंस रहा था फर्स्ट मैच में ना, सबसे शानदार प्लेयर वही थे, वही बने थे कैप्टन, तो मुझे लगता है कि यहां पर ट्रेविस हेड को रेस्ट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मिशेल मार्श के साथ टीम के पास एडवांटेज हो जाएगा, एक तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का, प्लस मिशेल मार्श आप लोगों को यहां पर राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं। क्लियर? ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली डेविड वार्नर और मिशेल मार्श इस मैच में आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे। फर्स्ट राउंड पोजीशन पे स्टीव स्मिथ आएंगे, फिर मार्नस लेबुशेने आएंगे, फिर जोश इंग्लिश आएंगे। ठीक है, एलेक्स कैरी नहीं खेल रहे हैं, वो रूल्ड आउट हो चुके हैं सारे ओडीआई से। बाकी कैमरून ग्रीन दिखेंगे, ब्यान मैक्सवेल दिखेंगे, मार्कस स्टॉइनिश दिखेंगे, सीन अबर्ट दिखेंगे, मिशेल स्टार्क दिखेंगे और एडम जैम्पा दिखेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 होने वाली है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्लियर हो गई। अब दोस्तों देख लेते हैं YS राजशेखर रेड्डी स्टेडियम विशाखापट्टनम के स्टैट्स को। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ना, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अच्छी विनिंग करनी है अगर आप लोगों ने, तो टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी पर्सनल टीम मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, अपनी मेगा ग्रैंड लीग की टीम भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, स्मॉल लीग की टीम शेयर करता हूं, थ्री स्पॉट फोर स्पॉट की टीम शेयर करता हूं, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप मस्ट ज्वाइन ग्रुप है दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कीजिएगा और सभी के सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब वेन्यू पे पिच के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। रीसेंट मैचेस इस वेन्यू पे नहीं हुए हैं, बट जो पुराने मैचेस है ना, उन्हीं मैचेस से आप लोगों को वेन्यू के रिकॉर्ड को बता दूंगा। ओके, अगर बात करूं दोस्तों यहां पर जो मैचेस खेले गए, रीसेंट तीन मैचेस का अगर आप लोग मुझसे बिहेवियर देखोगे, 2017 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहां पर मैच हुआ था, श्रीलंका की टीम 215 रन बना पाई थी, पूरे 10 विकेट आउट हो गए थे, इंडिया की टीम ने 219 रन दो विकेट के नुकसान पे ही बना दिए थे। 10 विकेट में 4 विकेट पेसर को मिले थे, 6 विकेट स्पिनर को मिले थे, और इंडियन टीम के जो दो विकेट गिरे थे उसमें एक पेसर और एक स्पिनर को मिला था। ओके, सेकेंड मैच दोस्तों यहां पर इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था 2018 में। इंडिया ने पहले बैटिंग करा, जबरदस्त 321 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। इंडियन टीम पे क्या रहा दोस्तों, 3 विकेट पेसर को मिले थे, 3 विकेट स्पिनर को मिले थे, और वेस्ट इंडीज की टीम भी 321 रन तक पहुंच गई थी, 2 विकेट पेसर को मिले थे और 4 विकेट यहां पर स्पिनर को मिले थे। ओवरऑल अगर देखोगे तो पेसर को 5 विकेट मिले, स्पिनर को यहां पर 7 विकेट मिले। बाकी 2019 पे इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में दोबारा यहां पर मैच हुआ था, इंडिया ने 387 रन बना दिए थे और वेस्ट इंडीज की टीम यहां पर 280 रन पे ऑल आउट हो गई थी। यहां देखोगे तो इंडियन टीम के 5 विकेट पेसर को मिले थे, वेस्ट इंडीज टीम के जो 10 विकेट गिरे थे उसमें 4 विकेट पेसर को और 5 विकेट स्पिनर को मिले। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे स्टार्ट्स, तो जब भी टीम इंडिया यहां पर खेल रही है तो टीम इंडिया अच्छा कर रही है, इस बात को ध्यान रखना, काफी हाई स्कोर बना रही है यहां पर। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है ये, ठीक है ना, एक हाई स्कोरिंग वेन्यू रहने वाला है, और यहां पर जो एक्सपेक्टेड स्कोर है मेरा 280 से लेकर 320 के बीच में रहेगा जो भी टीम यहां पर पहले बैटिंग करने आएगी, एक्सपेक्टेड स्कोर है दोस्तों। प्लस पेसर और स्पिनर दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि अगर आप लोग सारे मैचेस को देखोगे तो एक बैलेंस पिच ने बिहेव किया है, जहां पर रन भी बन रहे हैं और पेसर और स्पिनर दोनों को एडवांटेज रहेंगे। बाकी दोस्तों क्योंकि लास्ट मैच 2019 पे हुआ था, तो लाइव पिच रिपोर्ट को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा जैसे ही पिच रिपोर्ट लाइव हो जाएगा कि क्या है इस पिच पे, तो टेलीग्राम ग्रुप रिक्वेस्ट किया हुआ है दोस्तों, ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाके पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं,
सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे, एक एक सेक्शन के एक एक प्लेयर को नोट डाउन करना, वेन्यू स्टार्ट्स, हेड टू हेड परफॉर्मेंस, किसके चलने के अच्छे चांसेस है, किसे आप लोगों ने कैप्टन बनाना चाहिए, कौन प्लेयर यहां पर आप लोगों को सबसे अच्छा पॉइंट देने वाला है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आप सभी लोगों को इस ऐप का लिंक मिलेगा। क्लियर दोस्तों, यहां पर जो मेगा ग्रैंड लीग का कॉन्टेस्ट है ना, सिर्फ 4,40,000 लोगों के बीच में है दोस्तों, बाकी ऐप पर आप लोग देखोगे लगभग 70-80 लाख लोगों के बीच में आप लोगों ने कंपीट करना है, यहां पर सिर्फ 4,40,000 लोगों के बीच में कंपीट करना है। अगर इन 4,40,000 स्पॉट पे आप लोग रैंक वन आ जाते हो, 20 टीम लगाने के ऑप्शन है, अगर आप लोग रैंक वन आ जाते हो तो दोस्तों 7.5 लाख रुपए का कैश अवार्ड और चमचमाती महिंद्रा एसयूवी थार जीत सकते हो। तो सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर इस ऐप को पक्का से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। बाकी आप लोग मेरे दिए गए लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो तो 1500 रुपए का इंस्टेंट बोनस मिलेगा, प्लस फर्स्ट टाइम डिपॉजिट जो कर रहा होगा ना दोस्तों उनके लिए एक खास ऑफर है। आप लोग अगर मेरे कोड को यूज करते हो जो कि है क्रिक 20, तो आप लोगों को फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे 20% रियल एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। मतलब अगर आप लोग अपने वॉलेट पे 1000 रुपए डालोगे ना और कोड यूज कर लोगे दोस्तों क्रिक 20, तो आपके वॉलेट पे आएंगे कितने, 1200 रुपए रियल कैश, बोनस नहीं बोल रहा हूं, रियल कैश आएंगे दोस्तों। तो फर्स्ट टाइम अगर अभी तक आप लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो दोस्तों मिस मत करना, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब सेक्शन वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से और एक एक करके सारे सेक्शन के एनालिसिस करेंगे। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंडियन टीम पे आप लोगों को केएल राहुल दिखेंगे। केएल राहुल का रीसेंट परफॉर्मेंस 8 पे फ्लॉप, फिर 39 ठीक है, फिर 64 ठीक है, फिर 7 पे फ्लॉप, लास्ट मैच में शानदार 75 रन की पारी खेली इन्होंने। हेड टू हेड देखोगे तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया परफॉर्मेंस अच्छा है इनका, 9 मैच खेले हैं दोस्तों, 50 का इनका एवरेज है, इस बात को ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा एवरेज रहता है 50 का। बेस्ट स्कोर 80 का है और 9 मैच पे 3 बार ये हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। ओवरऑल 52 मैच पे 46 का एवरेज है, कंसिस्टेंसी दिख रही है धीरे धीरे, पहले थोड़े से टाइम के लिए आउट ऑफ फॉर्म चले गए थे बट मुझे ऐसा लगता है लास्ट इनिंग्स जो इन्होंने खेली है बूस्ट करेगी, क्योंकि उससे पहले भी एक बार एक अच्छी पारी आ चुकी है। बाकी विकेट कीपिंग में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है दोस्तों, काफी अच्छे अच्छे कैचेस इन्होंने पकड़े थे और जो वाइड बॉल जो चौके भी जा रहे थे ना काफी इन्होंने सेव किए थे, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है एक मस्ट पिक प्लेयर होंगे, विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से आप लोग लेकर चलिएगा। जोश इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो बिग बैश में तो जोश इंग्लिश जबरदस्त फॉर्म पे थे बट ओडीआई परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, 3 ही ODI मैच खेले हैं और तीनों पे लगभग फ्लॉप ही रहे हैं, 5 रन 10 रन और 26 रन, बाकी 3 मैच खेले हैं 13 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर यही 26 का है ठीक है, बाकी हेड टू हेड पे 1 मैच में 26 का इनका एवरेज है, थर्ड डाउन पोजीशन पे आएंगे दोस्तों एलिमिनेट करके चला जा सकता है, बट इस बात को ध्यान रखिएगा बिग बैश जब खेले थे ना तो जोश इंग्लिश का परफॉर्मेंस काफी जानदार और जबरदस्त था। क्लियर तो विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से केएल राहुल एक मस्ट पिक प्लेयर होंगे दोस्तों, आप लोग टीम पर लेकर चल सकते हो। मेगा ग्रैंड लीग पे एज अ पंट प्लेयर डिफरेंशियल टीम बनाना चाहते हो तो जोश इंग्लिश भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अब आ जाओ दोस्तों बैटिंग वाले सेक्शन पे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक पक्का से कीजिएगा, बिकॉज आप लोगों का लाइक हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन स्टैट्स निकाले ताकि आप लोगों को फायदा हो पाए, आप लोग अपने लिए एक परफेक्ट टीम बना पाओ। हम लोगों का मोटिव यहां पर यही है कि जितना से जितना आप लोगों की मदद कर पाए आप लोग एक परफेक्ट टीम बना पाओ। क्लियर तो वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक पक्का से करके जाइएगा, हल्का सा टाइम देना, ऊपर लाइक का बटन होगा क्लिक पक्का से कर देना, चैनल भी अगर हो पाए तो सब्सक्राइब पक्का से कीजिएगा। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंडियन टीम पर आप लोगों को रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए देखते हैं। रोहित शर्मा को देखोगे
लास्ट के कुछ मैच में 17, 42, 34, 51 लास्ट मैच में 101 रन आए थे इनके, बड़ी लंबी इनिंग्स के बाद 101 रन की एक पारी आई थी। बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, 40 मैच में 61 का एवरेज है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। 200 प्लस रन इन्होंने बना रखे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 50 8 बार है, सेंचुरी 7 बार है और 200 रन भी एक बार बना चुके हैं। वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओके, बट थोड़ा सा रोहित शर्मा ना इनिशियली जब मिशेल स्टार्क आएंगे तो उनके सामने स्ट्रगल कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एलपीडब्ल्यू आउट होने के चांसेस हाई है, एलपीडब्ल्यू या बोल्ड, क्लियर? क्योंकि मिशेल स्टार्क की बॉल अंदर की तरफ आती है ना, जब लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग करता है तो स्ट्रगल करते हैं रोहित शर्मा, इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं तो इनका परफॉर्मेंस जबरदस्त था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 116 रन, 208 रन, 40 रन, 112 रन, लास्ट मैच पे 20 रन बनाकर आउट हो गए थे। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2 मैच खेला है और परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, 33 इनका बेस्ट स्कोर है और 20 इन्होंने लास्ट मैच पे बनाया था। बट ओडीआई पे जबरदस्त परफॉर्मेंस है दोस्तों, 22 मैच में 70 के एवरेज से खेल रहे हैं, काफी देर तक टिके भी थे बट रन कुछ बना नहीं पाए। ओके, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे दोस्तों शुभमन गिल, मेरे हिसाब से अगर आप लोग स्मॉल लीग के प्लेयर हो तो एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली को देखो 166 रन, फिर 8 रन पे फ्लॉप, फिर 11 रन पे फ्लॉप, फिर 36 रन, फिर 4 रन, 44 मैचेस पे 53 का एवरेज है, मतलब अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया काफी मैचेस इन्होंने खेले हैं। टोटल 272 मैच में से 44 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं जिसमें कि इन्होंने 50 10 बार बनाया है और सेंचुरी 8 बार बनाया है। रीसेंट फॉर्म उतना कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 4 ओडीआई को अगर देखोगे तो 4 ओडीआई पे लगातार फ्लॉप होके आ रहे हैं, क्लियर, नोट डाउन कीजिएगा। सूर्य कुमार यादव की अगर मैं बात करूं तो सूर्य कुमार यादव का दोस्तों ओडीआई पे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, सीरियसली लास्ट के 5 मैच पे कुछ भी इन्होंने नहीं किया है, इससे ज्यादा ये T20 पे करके जाते हैं, T20 के क्लास बैट्समैन है बट ओडीआई पे आते ही पता नहीं क्यों स्ट्रगल करते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। 21 ओडीआई मैच खेल चुके हैं दोस्तों और सिर्फ 50 दो बार बनाए हैं, तो ओडीआई के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते। तो मेरे हिसाब से यहां से शुभमन गिल एक फिक्स प्लेयर होने चाहिए और विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों को आप लोगों ने डिफरेंशियल पिक करना चाहिए। अब किसे आप लोग लेकर चलोगे ये आपके ऊपर है। न्यू बॉल पे सामने होंगे रोहित शर्मा, मिशेल स्टार्क, तो उस बात को नोट डाउन कीजिए। बाकी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम पर देखोगे तो आप लोगों को डेविड वार्नर दिखेंगे ओपनिंग करते हुए। डेविड वार्नर को अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर 20 रन, फिर 5 रन, फिर 86 रन की अच्छी पारी आई थी, फिर 16 पे फ्लॉप थे, फिर लास्ट मैच पे सेंचुरी ही बनाकर आ रहे हैं। अगेंस्ट इंडिया 21 मैच पे 52 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 128 रन का है, 50 6 बार है, सेंचुरी 3 बार है, ओवरऑल देखोगे तो 45 के एवरेज से खेलते हैं, प्लेयर शानदार है दोस्तों, अनडाउटेडली आप लोग अपने टीम पर लेकर ही चलना अगर खेलेंगे तो, क्लियर, काफी शानदार प्लेयर है, इस बात को नोट डाउन करके रखना। मिशेल मार्श की अगर मैं बात करूं तो मिशेल मार्श ना काफी फास्ट खेलते हैं, लास्ट मैच में तो इन्होंने 81 रन बना दिए, ठीक है, बट इस बात को ध्यान रखना कंसिस्टेंसी कुछ ज्यादा नहीं है इनकी, क्लियर। यहीं पर देख लो 70 मैच खेले हैं दोस्तों इन्होंने और सिर्फ 33 का ही इनका एवरेज है, क्लियर, बट अगेंस्ट इंडिया देखोगे ना जो बेस्ट स्कोर 102 नॉट आउट का इंडिया के अगेंस्ट ही बनाया है, 6 मैच में इंडिया के अगेंस्ट तो 81 के एवरेज से खेले हैं, बट इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं। बट रिसेंट अगर 5 मैच देखोगे 24 फ्लॉप, 2 फ्लॉप, 50 पे ठीक है, 30 पे भी फ्लॉप है, ठीक है, आप लोग एज अ पंट प्लेयर ट्राई कर सकते हो बट स्मॉल लीग पे मेरे हिसाब से ड्रॉप करके चला जा सकता है। स्टीवन स्मिथ की अगर मैं बात करूं तो 105 रन, फिर 80 रन, फिर 94 रन, फिर 21 और 22, लास्ट के 2 मैच से फ्लॉप रहे। बट दोस्तों एक बात ध्यान रखना, स्टीव स्मिथ ना बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है दोस्तों, जल्दी से आउट नहीं होता, ठीक है ना, जल्दी से आउट नहीं होता है। यही देख लो 22 मैच खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट और 60 का एवरेज है, 22 मैच में देखो 50 5 बार, सेंचुरी 5 बार, मतलब 22 मैच पे 10 मैच तो इंपैक्टफुल खेल गया है, समझ रहे हो ना, तो कितना इंपैक्टफुल प्लेयर है दोस्तों। कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी एक बहुत अच्छा कंटेंडर रहेगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, 30-40 रन अगर बना गया तो पूरे सेंचुरी तक जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी बिग बैश पे तो स्टीव स्मिथ का जलवा था, लगातार 2 सेंचुरी मार दी थी बिग बैश पे।
मानस लघुशेने की अगर मैं बात करें तो 52 रन, फिर चार पे फ्लॉप, फिर 58, फिर 8 और 15। सेकेंड डाउन पोजीशन पे आएंगे, 28 मैच में 31 का ही एवरेज है, 50 6 बार है, सेंचुरी 1 बार है। पर प्लेयर मेगा ग्रैंड लीग के लिए बन सकते हैं, स्मॉल लीग पे आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो। तो यहां से स्मॉल लीग के प्लेयर कौन बनते हैं? शुभमन गिल, डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, ये तो फिक्स्ड है मेरे। बाकी दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली में से मैं किसी एक प्लेयर को अपने टीम पर लेकर चलूंगा। बाकी मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग जैसे यहां से मानस लघुशेने और मिशेल मार्श को आप लोग ट्राई कर सकते हो, इन फिक्स प्लेयर में से किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके। क्लियर? ओके, अब आ जाओ दोस्तों अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टीम इंडिया पे आप लोगों को हार्दिक पांड्या दिखेंगे। हार्दिक पांड्या दोस्तों जब कैप्टन, अब तो नहीं है, अब रोहित शर्मा कैप्टन आ गए हैं, बट जब खुद कैप्टन होते हैं तो पूरी बॉलिंग बैटिंग करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? परफॉर्मेंस देखोगे तो यहां फ्लॉप है, यहां ठीक है, यहां दो विकेट ठीक है, यहां भी ठीक है, लास्ट मैच में भी ठीक ही था। ओवरऑल हेड टू हेड परफॉर्मेंस अच्छा है, 10 मैच खेले हैं, 63 का एवरेज है, मतलब काफी इनिंग्स पे बैटिंग नहीं आई होगी। बाकी विकेट देखोगे तो 8 विकेट है, 50 4 बार है। रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस अच्छा था, क्लियर, 45 रन बनाए थे, 2 विकेट भी निकाले थे, सॉरी। बाकी यहां देखोगे 66 रन, 29 रन यहां फ्लॉप रहे थे, यहां भी फ्लॉप रहे थे, ठीक है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया परफॉर्मेंस देखोगे तो 37 मैच पे 25 का एवरेज है और 28 विकेट है, 50 2 बार बना चुके हैं। अपनी पूरी ओवर कराएंगे दोस्तों, टेस्ट मैच में जबरदस्त परफॉर्म किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो इसीलिए इन्हें पूरे अपने 10 ओवर मिलने वाले हैं। 10 ओवर में दोस्तों 2 विकेट भी निकाल देते हैं और 20-25 रन भी कर देते हैं तो इनका काम हो जाएगा। मेरे हिसाब से हार्दिक पांडे और रविंद्र जडेजा, आप लोगों को इन दोनों को अपने टीम पे पिक करके चलना चाहिए। क्लियर? और आप लोगों को अगर कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर बोलूं तो दोस्तों हार्दिक पांडे और रविंद्र जडेजा में से आप लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर बनते हैं ये लोग। क्लियर? अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो यही बैटिंग भी करेंगे और यही विकेट भी निकाल कर देने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर वाले सेक्शन को देखोगे तो यहां पर आप लोगों को कैमरून ग्रीन दिखेंगे, 3 रन 1 विकेट, 89 रन 0 विकेट, 25 रन 2 विकेट, 20 रन विकेटलेस, लास्ट मैच में 12 रन और विकेटलेस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि बॉलिंग पूरा कर रहे हैं और बैटिंग भी अच्छा कर लेते हैं। 14 मैच खेले हैं, 50 का इनका एवरेज है, 11 विकेट है इनके पास, 50 एक बार बना चुके हैं। ग्लेन मैक्सवेल को देखोगे तो फिफ्थ डाउन पोजीशन पे आएंगे, कैमरून ग्रीन के बाद खेलने आएंगे, बॉलिंग कम ही करते हुए दिखेंगे आप लोगों को। कैमरून ग्रीन अपनी पूरी बॉलिंग करेंगे और बैटिंग भी करेंगे, बट यहां पर ग्लेन मैक्सवेल को देखो, रीसेंट परफॉर्मेंस यहां पर एक बार अच्छा है, बाकी चारों मैच पे लगातार फ्लॉप हुए हैं। इंडिया के अगेंस्ट 29 मैच में 36 का एवरेज है, विकेट कम ही है, सिर्फ 4 ही विकेट है, विकेट ज्यादा नहीं लेते हैं, बॉलिंग ज्यादा नहीं मिलेगी, 3-4 ओवर दिया जाएगा, अगर विकेट मिलता है तो कंटिन्यू किया जाएगा वरना ड्रॉप कर दिया जाएगा। वैसे इंडियन बैट्समैन स्पिनर के अगेंस्ट अच्छे कंफर्टेबली खेलते हैं तो इसीलिए मैं ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप करके चलूंगा। मार्कस स्टोइनिश की अगर मैं बात करूं तो 6 डाउन पोजीशन पे खेलने आएंगे, लास्ट मैच भी अच्छा किया इन्होंने, बॉलिंग से अच्छा किया कि 2 विकेट निकाले, वरना उससे पहले यहां देखो फ्लॉप है, यहां फ्लॉप है, यहां फ्लॉप है, यहां फ्लॉप है। 50 इंडिया के अगेंस्ट 15 मैच में 38 का एवरेज है और 12 विकेट है, ओवरऑल 58 मैच में 28 का एवरेज और 39 विकेट है। बाकी कैमरून ग्रीन और मार्कस स्टोइनिश के बीच में दोस्तों डिफरेंशियल बनाया जा सकता है, हाई प्रायोरिटी मेरी कैमरून ग्रीन को रहेगी, उससे कम प्रायोरिटी मेरी मार्कस स्टोइनिश को रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। बट आपका अपोनेंट मार्कस स्टोइनिश को पक्का से लेकर आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्कस स्टोइनिश से ऊपर आप लोग प्रायोरिटी कैमरून ग्रीन को देकर अपने अपोनेंट को धराशायी कर सकते हो इजीली, हेड टू हेड और 3 स्पॉट तक। क्लियर? तो ऑलराउंडर वाला सेक्शन काफी क्लियर है, हार्दिक पांडे, रविंद्र जडेजा और कैमरून ग्रीन। ओके दोस्तों, बाकी आप सभी लोगों के लिए वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक गिव अवे का क्वेश्चन भी पूछते हैं। गिव अवे का आंसर अगर आप लोगों का सही जाता है, जितने भी लोगों का आंसर सही जाएगा सबको 500 रुपीज का कैश अवार्ड मिलेगा। क्लियर? क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं दोस्तों, आप लोगों ने जवाब कैसे देना है इस बात को ऐसे देखो, आप लोग ऐसा लिखोगे #IND vs AUS और आप लोगों ने बताना है कि इस मैच पे इंडिया का स्कोर कितना रहेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इंडिया यहां पर 312 रन बनाएगी 6 विकेट के नुकसान पे, तो आप लोगों ने ऐसा लिखना है। जिनका भी स्कोर सही होगा दोस्तों उन सभी लोगों को 500 रुपीज का कैश अवार्ड मिलेगा। क्लियर?
तो सभी लोग पार्टिसिपेट पक्का से कीजिएगा, हैशटैग यही यूज कीजिएगा, IND versus AUS, गैप मत दीजिएगा कहीं भी, क्लियर? ओके, अब आ जाओ दोस्तों अपने बॉलिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस में। बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग वाले सेक्शन पे टीम इंडिया पे आप लोगों को शार्दुल ठाकुर दिखेंगे। शार्दुल ठाकुर ने रिसेंटली काफी विकेट लिए, 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था शार्दुल ठाकुर अपने पूरे 10 ओवर शायद ही करें, क्लियर? बाकी कुलदीप यादव की अगर मैं बात करूं तो 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, लास्ट मैच में भी 1 विकेट ले लिए थे, हेड टू हेड 17 मैचेस पे 24 विकेट है, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे दोस्तों कुलदीप यादव। मोहम्मद शिराज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है रिसेंटली, यहां देखो 3 विकेट 4 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, मस्ट पिक बॉलर होंगे दोस्तों, अच्छी स्पीड से बॉल निकाल रहे हैं, अच्छा स्विंग इन्हें मिल रहा है, आप लोग इन्हें पक्का से पिक करके चलिएगा मोहम्मद शिराज को। मोहम्मद शमी ने भी लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया था, स्पेशली इंडियन टीम अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आएगी तो मोहम्मद शमी आप लोगों के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे। सेकंड इनिंग्स पे मैं बता नहीं सकता उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बट लास्ट मैच में इन्होंने जबरदस्त 3 विकेट लिए थे, उससे पहले भी जो मैचेस खेले हैं उसमें भी 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और विकेट लेस गए, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 20 मैच में 32 विकेट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के टीम पे देखोगे तो सीन अबट आप लोगों को दिखेंगे, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 0 विकेट फिर 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, लास्ट मैच में 0 विकेट ही है, कुछ खास बॉलिंग मुझे लगा नहीं है, ठीक है। बाकी मिशेल स्टार्क की मैं बात करूं तो ये जबरदस्त बॉलर है, यहां देख लो दोस्तों 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 4 विकेट, लास्ट मैच में भी 3 विकेट, मस्ट पिक प्लेयर है, आप लोगों ने अपने टीम पर लेकर ही चलना है, काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर। बाकी एडम जंपा की अगर मैं बात करूं तो 1 3 4 4 0, इंडियन टीम स्पिनर को अच्छा खेल लेती है, उतना विकेट नहीं देगी, आप लोग देख ही लो 17 मैच में सिर्फ 27 बार विकेट्स मिले हैं, मतलब ऑन एन एवरेज 1.5 विकेट्स मिल रहे हैं जो कि ओडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके है, क्लियर? तो यहां से मिशेल स्टार्क मस्ट पिक है, मोहम्मद शिराज मस्ट पिक है, बाकी कुलदीप यादव और मोहम्मद शिराज के बीच, मोहम्मद शमी के बीच में आप लोग डिफरेंशियल बना सकते हो, अगर ग्रीन पिच होगी तो आप लोग मोहम्मद शमी को लेकर चलिएगा दोस्तों, अगर स्लो पिच दिखेगी तो आप लोग कुलदीप यादव को ट्राई कीजिएगा। सेकंड इनिंग्स में टीम इंडिया अगर बॉलिंग करने आती है तो कुलदीप यादव को प्रायोरिटी दीजिएगा, फर्स्ट इनिंग्स में टीम इंडिया बॉलिंग करने आती है तो मोहम्मद शमी एक प्रायर बॉलर रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी दोस्तों इंपॉर्टेंट मैचअप्स की अगर आप लोगों से बात करूं तो यहां देखो इंपॉर्टेंट मैचअप, मोहम्मद शमी ने डेविड वॉर्नर, स्टीवन स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल को 3 बार आउट किया, इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। बाकी यहां पर देखोगे तो हार्दिक पांडे ने स्टीवन स्मिथ को काफी परेशान किया है दोस्तों, अच्छा मैचअप है हार्दिक पांडे के बीच में, देखो 72 बॉल में 72 रन देकर 4 बार आउट किया है हार्दिक पांडे ने स्टीवन स्मिथ को, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी टीम इंडिया को देखोगे तो एडम जंपा ने देखो रोहित शर्मा को 4 बार, विराट कोहली को 5 बार, केएल राहुल को 3 बार, हार्दिक पांडे को 3 बार और रविंद्र जडेजा को भी 2 बार आउट किया है, और हम लोग क्या कह रहे हैं एडम जंपा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैचअप के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है दोस्तों मुझे, बट इंडियन टीम तब भी कंफर्टेबली खेलेगी, अगर ले भी गया ना तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही विकेट ले जाएगा, इससे ज्यादा शायद ना ले जाए। बाकी मार्कस स्टोइनिस ने 3 बार आउट कर रखा है दोस्तों रोहित शर्मा को, और मार्कस स्टोइनिस भी ओपनिंग पे बॉलिंग करने आएगा, मिशेल स्टार्क के साथ आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर? ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप है जिसके हिसाब से एडम जंपा इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है और मोहम्मद शमी इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है, क्लियर? ओके, बाकी दोस्तों अभी के टाइम पे जो मेरी टीम है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे पक्का से कनेक्ट हो जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे फाइनल टच के साथ आप लोगों को टीम मिल जाएगी, क्योंकि पिच 2019 का ही रिकॉर्ड है हमारे पास दोस्तों, तो नई पिच भी हो सकती है दोस्तों, बिहेवियर चेंज हो सकता है, तो एक बार लाइव पिच रिपोर्ट देखने के बाद टीम पे चेंजेस हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, पक्का से ज्वाइन कीजिएगा। बाकी टीम देखो तो यहां पर केएल राहुल है, यहां पर डेविड वॉर्नर और स्टीवन स्मिथ फिक्स है, यहां पर शुभमन गिल फिक्स है, यहां पर विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा को ट्राई किया जा सकता है, बाकी यहां पर रविंद्र जडेजा है, यहां पर हार्दिक पांडे है, देखो आपका ओपोनेंट मार्कस स्टोइनिस को लेकर आएगा, आप लोग मार्कस स्टोइनिस को हटा के यहां पर कैमरून ग्रीन को लेकर जाना, गेम चेंज हो जाएगा आप लोगों के लिए। बाकी मिशेल स्टार्क है और यहां पर मोहम्मद शमी और मोहम्मद शिराज है, इनके बीच में कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कुलदीप यादव को किस कंडीशंस पे आप लोग ट्राई कर सकते हो,
कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर पूछोगे तो दोस्तों देखो, एक तो स्टीवन स्मिथ एक इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर है, शुभमन गिल अच्छा कंटेंडर रहेगा दोस्तों सीवीसी का, हार्दिक पांडे इंपॉर्टेंट रहेगा सीवीसी का, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर है इस मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर के, इन दोनों में से एक ना एक अच्छा खेलेगा इस मैच पे, हाई चांसेस है, क्लियर। बाकी दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग पे आप सभी लोगों को मैंने बताया था माई 11 सर्कल ऐप के बारे में, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक है, अगर अभी तक आप लोगों ने लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत जाओ लिंक को क्लिक करो और ऐप को सभी लोग डाउनलोड करो। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिम्मेदारी से खेले। धन्यवाद दोस्तों।